हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 2 पॉलीनोमियल का स्पॉट मटेरियल। तो क्वेश्चन नंबर 55 हमें दे रखा है सिंप्लीफाई। हमें इसे सिंप्लीफाई करके बताना इसका आंसर क्या होगा। देखो, इसको सॉल्व करने से पहले इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, मैं वो फॉर्मूला मैंशन कर देता हूँ। देखो, फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वेयर, जो कि फॉर्मूला होता है मेरा ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होगा। देखो, ये तो तीनों नंबर पॉजिटिव के हैं, तो इसमें तो सॉल्व करने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। जो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी वो इस वाले में होगी, क्योंकि हमें a की जगह यहाँ पे लेना होगा x, b की जगह हमें रिप्लेस करना होगा माइनस का y, और c की जगह हमें लेना होगा माइनस का z। बाकी ये तो पॉजिटिव का है, तो ये तो डायरेक्टली इसमें ओपन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस में 2xy, ए बी की जगह हमें लेना है xy और c की जगह लेना है z, तो 2 बी की जगह y है, c की जगह z है z yz प्लस में 2zx। तो इसका फॉर्मूला ओपन हो गया। बट अब इसका जब फॉर्मूला ओपन करेंगे तो a की जगह x स्क्वेयर बी की जगह लेना में माइनस का वाई स्क्वेयर सी की जगह लेना माइनस का जेड स्क्वेयर प्लस में 2 ए बी आ रहा है, ए बी की जगह x और b की जगह माइनस का y, x एंड माइनस का y, फिर प्लस में 2 bc b की जगह लेना माइनस का y, c की जगह लेना माइनस का z, प्लस में 2 ca की जगह माइनस का z, और a की जगह लेंगे हम x, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मेरा एज इट इज आ जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर 2xy 2yz एंड 2zx, ब्रैकेट के बाहर है माइनस। पहले ब्रैकेट को अंदर को से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई को माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का वाई स्क्वायर, माइनस जेड को माइनस जेड से मल्टीप्लाई करेंगे पॉजिटिव का जेड स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2xy, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2yz, और प्लस माइनस माइनस 2zx, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx, ब्रैकेट ओपन होगा, बाहर माइनस है तो अंदर सबके साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों? माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, इससे बेटर सबके साइन ही चेंज कर दो। प्लस है तो माइनस कर दो, क्योंकि बाहर माइनस साइन तो चेंज वैसे भी चेंज होने, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देख लो कौन किसके साथ कैंसिल हो रहा है, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, माइनस का 2yz पॉजिटिव का 2yz, और कुछ तो हो नहीं रहा 2xy 2xy, ये हुआ 4xy 2zx 2zx, तो ये 4zx, क्लियर है? ये मेरा आंसर हो जाएगा। दोनों में अगर कॉमन निकालना है तो निकाल सकते हो, दोनों में से 4x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बचेगा y और यहाँ बचेगा मेरा z, 4x बाहर आ गया y बचा, यहाँ पे 4x बाहर आ गया z बचा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ठीक, ये हमारी टर्म दे रखी है और इसको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने से पहले हमें इसको थोड़ा सा फॉर्मूले के अंदर लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे? 1, देखो इस पे क्यूब है तो इस 5 पे, इस पे भी क्यूब होने चाहिए, तो मैं 125 के करता हूँ फैक्टर। 5 का डिवाइड दिया 25, 5 का डिवाइड दिया 5, 5 का डिवाइड दिया 1, यानी कि 5 आए एक बार दो बार तीन बार, यानी 5 की पावर 3। तो इसकी जगह मैं रिप्लेस कर देता हूँ 5 की पावर 3 यानी क्यूब। 8 है, इसी तरीके से 8 के फैक्टर करते हैं, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, यानी कि 2 की पावर क्यूब, y की क्यूब, बाकी z क्यूब तो है ही, इसे एज इट इज उतार दो 30xy एंड z, दोनों पे क्यूब आ गया क्यूब लगा दिया, दोनों पे क्यूब आ गया क्यूब लगा दिया, z पे तो ऑलरेडी क्यूब था ही, ठीक है, ये प्लस चल रहा है यहाँ पे, बाकी इसको अभी हम मेंशन करेंगे। अब देखो ये जो फॉर्मेशन चल रही है, ये मेरी फॉर्मेशन होगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल होगा ये a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस में ab माइनस bc माइनस ca, ये मेरा फॉर्मूला होगा, क्लियर है? इसके बाद देखो ये तो इनके इक्वल चले गए 3 का 3, अब a की जगह मैं क्या लें? देखो क्यूब से क्यूब कंपेयर किया तो मेरी जो a की वैल्यू आएगी वो आएगी 5x, ठीक, इसको इसके साथ कंपेयर किया तो b की वैल्यू आएगी यहाँ पे 2y,
इसको इससे कंपेयर किया तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे जेड। तो थ्री का थ्री ए, ए की जगह मैं लिखूँगा यहाँ पे फाइव एक्स, बी, बी की जगह आएगा मेरा टू वाई, सी, सी की जगह मेरा आ जाएगा यहाँ पे जेड। अब देखो इन तीन सबको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, थर्टी एक्स वाई जेड, थ्री फाइव से फिफ्टीन, फिफ्टीन टू से थर्टी, एक्स वाई एंड जेड, ये आ गया। ये पूरी फॉर्मेशन इस फॉर्मूले के अंदर सेटअप हो रही है। अब हम इसको इसमें ओपन कर देंगे। सबसे पहले ए, ए की जगह फाइव एक्स, फिर आ रहा हमारा बी, बी की जगह टू वाई, सी, सी की जगह जेड, ब्रैकेट क्लोज, फिर ए यानी कि फाइव एक्स का स्क्वायर, बी, बी यानी कि टू वाई का स्क्वायर, सी, सी यानी कि जेड का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए यानी कि फाइव एक्स, बी यानी कि टू वाई, बी सी, टू वाई इंटू जेड, सी ए, जेड इंटू ए, ए की वैल्यू फाइव एक्स, ब्रैकेट क्लोज। एक स्टेप और सॉल्व होगा, ये फाइव एक्स टू वाई एंड जेड, फाइव को फाइव से मल्टीप्लाई किया ट्वेंटी फाइव एक्स स्क्वायर, टू को टू से किया फोर, वाई को वाई से किया वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, फाइव टू जेड टेन एक्स वाई, टू वाई जेड एंड ये वो फाइव जेड एक्स। और इसी के साथ मेरा क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।